हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पर ही पार्लर जैसा ग्लो कैसे पा सकते हैं अपने फेस पर। तो चलिए देख लेते हैं। और गाइस, घर पर फेशियल करना बहुत ही इजी है। काफी बार होता है कि हम हाउसवाइफ्स को टाइम नहीं मिल पाता है पार्लर में जाके फेशियल कराने का या अपने आप को पैम्पर करने का, राइट? तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से फेशियल कर सकते हैं आप अपने घर पर। बहुत ही इजी होता है घर पर फेशियल करना भी। अगर आपके पास टाइम नहीं है पार्लर में जाने का तो आप घर पर भी इजिली ये फेशियल कर सकते हैं। और मैं आज जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी इसी फेशियल किट से फेशियल करें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो उससे आप फेशियल भी कर सकते हैं और ब्लीच भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और सबका गाइस फेशियल करने का तरीका अलग अलग होता है, और जो भी स्टेप्स आपको इजी लगते हो, जो भी स्टेप्स आपको अच्छे से आते हो, वो आप कर सकते हैं अपने फेशियल में। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये फेशियल कैसे किया है और कैसे आप घर पर भी फेशियल करके पार्लर जैसा ग्लो पा सकते हैं। और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वीएलसीसी की ब्लीच। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैं काफी टाइम से ब्लीच यही यूज करती आ रही हूँ। मुझे वीएलसीसी की ब्लीच बहुत ज्यादा पसंद है, मैं लॉन्ग टाइम से इसे यूज करती आ रही हूँ। और मैं वीएलसीसी का ही फेशियल किट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। यह एंटी टैन फेशियल किट है, समर्स के लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, और मेरी स्किन पर ये सूटेबल भी है। तो आपकी स्किन पर जो भी सूट करती हो फेशियल किट, या आपके पास जो भी घर पर अवेलेबल हो उससे आप फेशियल अपना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में करने जा रही हूँ ब्लीच। मैं यहाँ पर वीएलसीसी की ब्लीच कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। ये है वीएलसीसी नेचुरल साइंसेस इंस्टा ग्लो हर्बल ब्लीच विद कुकुम्बर एंड रोज पेटल्स, जेंटल हेल्दी फेयरनेस। और आपको इसके साथ एक पोस्ट ब्लीच पैक भी मिल जाता है जो कि आपको ब्लीच के बाद लगाना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से ब्लीच। और मैं अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ, फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने अपनी स्किन को। इस वक्त मेरी स्किन पर कोई भी मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं। तो जब भी आप ब्लीच करें आपकी स्किन पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं यहां पर ले रही हूं एक प्लास्टिक बाउल, और इसे आपने जब भी आप ब्लीच मिक्स करें तो प्लास्टिक बाउल में ही आपने मिक्स करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी स्टील की बाउल ना यूज करें, कोई भी मेटल की यूज ना करें, हमेशा कांच की बाउल या प्लास्टिक बाउल में ही ब्लीच को मिक्स करें। तो चलिए मैं फटाफट से ब्लीच को मिक्स कर लेती हूँ इस बाउल में। आप चाहें तो इसे एक स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, बट ये फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो यहां पर मैंने ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे अपने फेस पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी। ध्यान रहे आपने अपनी आईज के आसपास नहीं लगानी है। और जब भी आप ब्लीच करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि ब्लीच को आपने ज्यादा देर तक अपने फेस पर नहीं लगा के रखना है। जो भी ब्लीच के साथ एक बुकलेट दी होती है उसे रीड करने के बाद ही आप ब्लीच को अप्लाई करें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने ज्यादा देर तक इसे नहीं लगाकर रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप वीएलसीसी ब्लीच का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू आपसे शेयर किया हुआ है, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो देखिए मैंने ब्लीच लगा ली है, और अब मैं इसे 10 मिनट तक रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद मैं अपने फेस को ठंडे पानी से अच्छे से धो लूंगी। और आप एक गीले स्पॉन्ज की हेल्प से भी इसे क्लीन कर सकते हैं, और या फिर आप वॉश करना चाहते हैं तो अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। और यहाँ भी आप सोचेंगे कि मैं क्या लगा रही हूँ, तो ये ब्लीच के साथ ही एक फेस पैक जो एक्स्ट्रा मिलता है तो वो मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इस किट को ओपन कर दिखाती हूँ। तो ये है वीएलसीसी नेचुरल साइजेस एंटी टैन फेशियल किट, फेड टैन एंड सॉफ्टन सन एक्सपोज स्किन, गेट द पार्लर लाइक ग्लो। और ये किट बहुत ही अच्छा पार्लर लाइक आपको ग्लो देती है, और ये एंटी टैन फेशियल किट है। तो समर्स के लिए किट बहुत ही बेस्ट लगी है मुझे, तो मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसे ओपन कर दिखाती हूँ कि हमें इसमें कितने तरह के सेशे मिलते हैं। और इस किट में आपको टोटल 6 पाउच मिलते हैं। तो यहां पर हमें फर्स्ट स्टेप मिल रहा है वीएलसीसी का प्री फेशियल कॉम्फ्रे क्लिंजर कम टोनर विद एलोवेरा। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्लिंजर मिल जाता है, और सेकंड में आपको मिलता है ओट मील स्क्रब मिल रहा है आपको एंटी टैन फेशियल विद ओट मील ऑयल एंड ऑलिव ऑयल के साथ। सेकेंड स्टेप आपको मिल रहा है स्क्रब। यहां पर थर्ड स्टेप में आपको मिलता है मील वाइट जेल विद कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ। और फोर्थ स्टेप में आपको मिलता है पिस्ता मसाज क्रीम मिल रही है विद पिस्ता एक्सट्रैक्ट एंड रोज पेटल एक्सट्रैक्ट्स के साथ। और फिफ्थ नंबर पे आपको जो मिल रहा है स्टेप वो है पैक, और ये है विद विंटर चेरी एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो फिफ्थ नंबर पे आपको मिलता है फेस पैक, और सिक्स नंबर पे आपको मिलता है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल है ये SPF 15 PA+ विद एलोवेरा। और यहाँ पर मैं ये फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ,
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फर्स्ट स्टेप क्लिंजर है, और क्लिंजर से आपकी स्किन से जितने भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है, और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा ग्लो भी देता है। तो आपने हर एक स्टेप को 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, और इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी, कि आप गीले टॉवल की हेल्प से क्लीन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ, स्क्रब है, और ये स्क्रब पाउडर फॉर्म में है, और इसकी ओटमील जैसी ही इसकी फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जैसे ओट्स की होती है। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कर लूंगी। फेशियल के आपको जो भी स्टेप्स आते हैं वो आप कर सकते हैं, और 4 से 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कीजिए अच्छे से हल्के हाथों से। और जैसा कि स्क्रब पाउडर फॉर्म में है तो मैंने इसे एक बाउल में मिक्स कर लिया है रोज वाटर ऐड करके। इसमें बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप है जेल, और इस जेल की खुशबू भी बहुत अच्छी है गाइज। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं ना सभी की फ्रेगरेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, मन करता है बस बार बार इसे स्मेल करते रहो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि इस फेशियल किट से आप 2 से 3 बार आराम से फेशियल कर सकते हैं, और जो भी आपको स्टेप्स आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, और फोर्थ स्टेप में है यहाँ पर क्रीम, और अब मैं क्रीम से मसाज करूंगी विद पिस्ता एक्सट्रैक्ट एंड रोज पेटल एक्सट्रैक्ट्स, और इसकी खुशबू भी बिल्कुल पिस्ता जैसी है। खुशबू सारी ही किट की बिल्कुल बहुत ही हर्बल है, बहुत ही अच्छी है। जिस भी पाउच में जो भी एक्सट्रैक्ट है उसी की खुशबू है, इसमें पिस्ता है और बिल्कुल पिस्ता जैसी खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है, मन करता है बस इसे स्मेल करते रहो, बहुत ही अच्छी खुशबू है। और मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए अब मैं करने जा रही हूँ फिफ्थ स्टेप, और फिफ्थ स्टेप में है यहाँ पर पैक विद विंटर चेरी एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छी ग्लो आई है फेस पर आप देख सकते हैं। एंड में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 6 स्टेप्स, तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ये है मॉइस्चराइजिंग जेल, और इसे बस आपने इतना सा लेना है और अपने फेस पर लगा लीजिए अच्छे से। और इसे आपने एंड में ही लगाना है सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्लो आई है फेस में, और ये फेशियल आप भी एक बार जरूर ट्राई करना गाइज, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फेशियल मसाज करने से हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी स्किन में चमक आती है, और साथ ही साथ हमें और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी था घर पर फेशियल करना, आई होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।